हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है विवांता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए कि विवांता का ऐप आ चुका है, आप सब उसको डाउनलोड करेंगे और क्योंकि वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल कोर्स मिलेगा, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी और भी काफ़ी बेनिफिट्स आपको होंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है आपको वहीं पर पता चलेगा। तो विवांता का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप प्ले स्टोर से। साथ ही साथ विवांता का GS स्पेशल वाला चैनल है, GS स्पेशल, तो आप उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, तो उसको भी आप क्या करेंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आपको पहुंचना है सुनने से शिखर तक। वहां पर आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी। तो और साथ ही साथ विवांता का मेन चैनल भी आप डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में देखिए, जो मैं टॉपिक अभी पढ़ा रही हूँ आपको, एक टॉपिक है आपका वायुमंडल एटमॉस्फेयर। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये आपको कई वीडियोस में मिलने वाला है। तो जैसे एक इसमें एटमॉस्फेयर में सबसे पहले अर्थ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं एक वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप उसको भी देख लेना। उसके बाद कंपोजिशन वायुमंडल किस किस से मिलकर बना हुआ है, वहाँ से मैं करवा चुकी हूँ। फिर बात आती है लेयर्स की, वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल को ना एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में बांट दिया गया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में एक वीडियो में करवा चुकी हूँ और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में करवा चुकी हूँ। आज मैं कराऊंगी आपको मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर से बनने वाले क्वेश्चंस। तो आप जो लास्ट की वीडियोस हैं आप उनको पूरा कंप्लीटली देख लेना, हर लेयर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है समताप मंडल हो चुका है, तो आज का टॉपिक है आपका, देखिए जो हमारा एटमोसफेयर है इसको, इसमें 5 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स? 5 लेयर्स। तो ये है आपकी ट्रोपोस्फीयर, ये है स्ट्रेटोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर, ये आयनोस्फीयर और ये है आपकी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। हाइट की बात करें तो ये है आपकी अर्थ, ये इसकी हाइट है 0 से 18 किलोमीटर। फिर ये है 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर पर। मेसोस्फीयर है 80 किलोमीटर, आयनोस्फीयर है 400 किलोमीटर, एक्सोस्फीयर है 400 to 10,000 किलोमीटर। और हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट है कितनी है? 10,000 किलोमीटर। इसके बाद शुरू हो जाता है आपका यूनिवर्स। तो ये भी समताप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये दोनों लेयर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप ना प्लेलिस्ट में सभी 1, 2, 3 ऐसे करके आप देखना, तो ये लेयर्स से भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जो हो चुके हैं। आज मैं कराती हूँ आपको मेसोस्फीयर। तो आप देखिए मेसोस्फीयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं बनते। इसका एक क्वेश्चन तो ये बनता है, आयनोस्फीयर और स्टेटोस्फीयर, आयन मंडल और समताप मंडल के बीच की परत कौन सी है? तो मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में पाई जाती है। इसका मैक्सिमम दूसरा क्या पूछ सकते हैं? हाइट। तो इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर, ठीक है। और ये ना संक्रमण परत के रूप में है, सॉरी इसका अपना कोई विशेष महत्व नहीं है। ये समताप मंडल और आयन मंडल के बीच की परत है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ हाइट और किन दो लेयर्स के बीच में है, या वायुमंडल का मध्य भाग बताइए, मिडल पार्ट। तो आपका मेसोस्फीयर हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, अब क्वेश्चन आता है आपका आयनोस्फीयर, आयन मंडल से। आयन मंडल से क्या क्वेश्चन आता है देखिए, जो आयन मंडल है, जो आयनोस्फीयर है, इसका एक पॉइंट है और एक पॉइंट से काफी लैंग्वेज में क्वेश्चंस बनते हैं। इसका पॉइंट क्या है? जितने भी संचार के साधन हैं, टीवी, रेडियो और जितने भी दूसरे संचार के साधन हैं, जितने भी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उनके जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, वो वायुमंडल के किस भाग में लगाए जाते हैं? तो आप याद रखना, आयनोस्फीयर में क्या लगाए जाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ टीवी, रेडियो एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कृत्रिम उपग्रह।
टीवी, रेडियो और सभी संचार के साधनों के कृत्रिम उपग्रह आयनोस्फीयर में आयन मंडल में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इस परत से टकराकर पृथ्वी पर सभी तरंगे वापस लौट आती हैं। देखिए स्टूडेंट, आप मुझे सुन पा रहे हैं कैसे? ध्वनि तरंगों से, साउंड वेव्स की वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपका फोन रिंग करता है तो उसमें भी कोई ना कोई वेव्स ही तो एंट्री करेगी। सॉरी, तो जो भी फोनिंग करेगा उसके अंदर भी, टीवी है आपका, रेडियो है, उसमें भी कोई ना कोई जो वेव्स है वो ही तो एंट्री करती हैं, तभी आपका चीजें चल पाती हैं। तो इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा और तरंगों से ही काम होता है। तो आप याद रखेंगे, जो ये है आपकी आयनोस्फीयर, यहाँ से जो पृथ्वी से तरंगे छोड़ी जाती हैं आयनोस्फीयर से, वो सभी टकराकर पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ये भी बनता है, किस परत से टकराकर टीवी और रेडियो की सभी तरंगे पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? आयनोस्फीयर से। अगर ये आयनोस्फीयर स्टूडेंट्स नहीं होता तो जो तरंगे यहाँ से छोड़ी जाती हैं वो यूनिवर्स में जा सकती थी और आपका टीवी रेडियो नहीं चल पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरंगे इस परत से टकराकर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। इसी परत में टीवी और रेडियो के संचार के सभी संचार के साधनों के कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं। दूसरा, कौन सी परत पृथ्वी पर संचार के कार्यों के लिए आवश्यक है? किस परत को कम्युनिकेशन लेयर कहा जाता है? तो वेरी इजी, आप समझ चुके हैं, आयन मंडल। आयन मंडल में ही इसी की वजह से पृथ्वी पर संचार का कार्य हो पा रहा है, नहीं तो नहीं होता। नेक्स्ट है आपकी एक्सोस्फीयर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एक्सोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। कौन सी? बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ये हिस्सा वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है और किससे जुड़ जाता है? ब्रह्मांड से। 10,000 किलोमीटर के बाद आपका हो जाता है ब्रह्मांड स्टार्ट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट अर्थ सरफेस से लेकर यूनिवर्स तक केवल 10,000 किलोमीटर है। 10,000 किलोमीटर के बाद यूनिवर्स स्टार्ट हो जाता है। तो वायुमंडल की कौन सी परत, फर्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत ब्रह्मांड से मिलती है? तो एक्सोस्फीयर ब्रह्मांड से मिल जाती है। दूसरी बात, इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, हमारे वायुमंडल में किस भाग में लाइट गैसेस पाई जाती हैं? तो जैसा कि आपने पढ़ा, जो ट्रोपोस्फीयर है यहाँ पर भारी गैस, हैवी गैसेस पाई जाती हैं, और एक्सोस्फीयर में हल्की गैस पाई जाती हैं। तो लाइट गैसेस फाउंड इन एक्सोस्फीयर। तो लाइट गैस पाई जाती हैं, हल्की गैसें, सबसे ज्यादा हल्की आपको कहाँ पर मिलेगा? एक्सोस्फीयर में। और हल्की गैसें कौन सी आपकी? हल्की गैसें स्टूडेंट्स हीलियम और हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हीलियम और हाइड्रोजन। जब यहाँ पर हल्की गैसें हैं तो वायु दाब प्रेशर कैसा होगा? तो एयर प्रेशर भी लो एयर प्रेशर होगा, क्योंकि वायु दाब, एयर प्रेशर का मतलब क्या है? वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका वजन, उनका भार, वेट ऑफ एयर, कोल्ड एयर प्रेशर। तो जो वायु हल्की है तो उनका भार भी तो कम होगा। तो यहाँ पर निम्न वायु दाब, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न वायु दाब सबसे ज्यादा किस वायुमंडल की किस परत में वायु दाब कम होगा? तो लो एयर प्रेशर सबसे ज्यादा, लोवेस्ट एयर प्रेशर फाउंड इन एक्सोस्फीयर। सबसे कम वायु दाब मिलेगा वायुमंडल की सबसे बाहरी परत में, सबसे अपर मोस्ट लेयर में, एक्सोस्फीयर में, क्योंकि हल्की गैस है, फिर सबसे ऊपरी भाग है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब एक बात आप याद रखेंगे, हमेशा वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होगा। एयर प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा विपरीत होंगे। जिस क्षेत्र में वायुदाब घटेगा वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। तो याद रखना, टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि वायुदाब कम है। अगर आपको वायुमंडल समझना है, जलवायु विज्ञान आपको समझना है पूरा का पूरा कंसेप्चुअली, तो आपको टेम्परेचर और एयर प्रेशर का रिलेशन आपस में समझना होगा। तो लो एयर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फाउंड इन एक्सोस्फीयर, क्लियर? अब दूसरी बात, आप देखिए
ये पेन है मैं नीचे गिराऊंगी वो गिर जाएगा। आप कोई भी भारी वस्तु अगर ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि इस पर और हम सब मानव पर हर चीज पर कौन सा बल काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर सभी भारी चीजें पृथ्वी पर नीचे गिर जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं और आपने कोई भारी वस्तु या आप खुद भी यहाँ पर गिर गए या कोई भी भारी वस्तु आप यहाँ पर गिराओगे तो वो अर्थ सरफेस पे नीचे आकर नहीं गिरती है, बल्कि इस परत में एक्सोस्फीयर में सभी भारी चीजें तैरती रहती हैं। हैवी थिंग्स फ्लोट करती रहती हैं यहाँ पर, नीचे आकर नहीं गिरती। तो ये भी क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में भारी चीजें तैरती रहती हैं? तो वायुमंडल की एक्सोस्फीयर में, इस वाले लेयर में सभी भारी चीजें तैरती रहती हैं। वैसे तो आप देखिए आयनोस्फीयर, आयन मंडल में भी आपके कृत्रिम उपग्रह लगाए हुए हैं और वो भी तैरते हैं। क्यों? कारण बताइए। तो कारण है स्टूडेंट्स, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा? ऊपर की तरफ जाने पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाता है। तो वायुमंडल की बाह्य मंडल में, एक्सोस्फीयर में गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है और सबसे अधिक किस में लगता है? ट्रोपोस्फीयर में, जहां पर हम हैं। तभी तो भारी चीजें गिर जाती हैं पृथ्वी के सरफेस पर। और हम, पृथ्वी घूमती भी है, पृथ्वी रोटेट भी करती है, पृथ्वी रिवॉल्यूशन भी करती है, फिर भी हम नहीं गिरते। कारण? क्योंकि हमारे ऊपर, हम हैं ट्रोपोस्फीयर में और कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा और 10,000 किलोमीटर के बाद तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता ही नहीं है। 10,000 किलोमीटर गैस ही वायुमंडल क्यों है अर्थ का? क्योंकि 10,000 किलोमीटर पर ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल करता है कार्य। ठीक है स्टूडेंट, तो इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके लेयर से। बाकी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इन दोनों लेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो मैं पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो आप सभी प्लेलिस्ट से नंबर वाइज सभी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। तो टेक केयर योरसेल्फ। अगेन इंफॉर्मेशन है आपके लिए, विवांता का ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करें। साथ ही साथ आपको विवांता का जीएस स्पेशल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है सर्च करके, और अगर नहीं मिलता है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिला हुआ है, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, गुड लक विवांता के साथ। पहुंच जाइए आप सुनने से शिखर तक, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी अपना टाइम देना पड़ेगा विवांता के साथ। गुड लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग विद विवांता।